हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बटाटा वड़ा। बटाटा वड़ा एक फेमस स्ट्रीट फूड है, तो इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज पोटैटोस लिए हैं, जिनको मैंने वॉश करके बॉयल किया है और इनको अच्छी तरह से स्किन हटा दी है और इनको ठंडा कर लिया है। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। आलू के अलावा हम प्याज इस्तेमाल करेंगे। ये एक मीडियम साइज प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। हरे धनिए की पत्ती इस्तेमाल करेंगे। लहसुन और अदरक का यूज़ करेंगे। ये छोटा सा पीस मैंने अदरक का लिया है, 4-5 कलियाँ लहसुन की हैं। थोड़ी सी हम हरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे, ये तीखी वाली हरी मिर्च है और इनको मैंने स्लिट लगा दिया है या इस तरह से कट लगा दिया है। थोड़े से हम करी लीफ या कड़ी पत्ता यूज़ करेंगे और एक हम ये वाली हरी मिर्च यूज़ करेंगे। इसको भी मैंने पतला पतला काट लिया है, ये तीखी नहीं है ज़्यादा लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा होता है। अब हम आपको स्पाइसेस दिखा देते हैं जो इस रेसिपी में यूज़ हो रहे हैं। राई दाना 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून के बराबर उड़द दाल, सफ़ेद ज़ीरा 1 छोटी चम्मच के बराबर, 1 छोटी चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर, 1 ही छोटी चम्मच के बराबर लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 छोटी चम्मच के बराबर, नमक स्वादानुसार या 1 छोटी चम्मच से 1/4 छोटी चम्मच के बराबर, बेकिंग सोडा थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे 1 पिंच के बराबर और साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे हींग पाउडर। हींग पाउडर भी 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम तलने के लिए तेल इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा पानी बेसन का घोल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम अदरक और लहसुन को पीस लेते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम लहसुन और अदरक को पीस लेते हैं या इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो आलू को हमने एक बॉल में डाल दिया है, अब हम इसको मैश कर लेंगे। तो आलू हमारे मैश हो चुके हैं, अब हम मसाला बनाएंगे। एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ले लिया है, इसमें अब हम करी लीफ ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें जीरा और मस्टर्ड सीड्स ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे और साथ ही ग्रीन चिली। ज़्यादा देर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा सौते करेंगे। अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे, आमचूर पाउडर मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें ये मैश किए हुए पोटैटोज डाल देंगे। मसाले में हम आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, नमक डाल देंगे दोबारा से मिक्स करेंगे। अब आप चाहें तो इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं और आखिर में हम इसमें कोरिएंडर लीव्स या हरे धनिए की पत्ती ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है स्टोव का और इसको हम अब एक प्लेट में निकाल देंगे, साइड पे रख देंगे, फिर हम इसके बॉल बनाएंगे। इतना पोर्शन हम लेंगे मिक्सचर में से और हम आलू के बॉल्स बनाएंगे इस तरह हाथों की मदद से। ये साइज होना चाहिए। तो आलू को इस तरह से हमने बॉल की शेप दे दी, इसको साइड पे रखेंगे। इसमें अब हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और ये देखें 1 चुटकी के बराबर इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे, मिक्स करेंगे। और अगर बैटर थोड़ा सा पतला हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में तेल डाल लिया है वड़ों को तलने के लिए। ये मैंने एक वड़ा लिया है और इसको अब हम इस घोल में डाल के और अच्छी तरह से कोट करेंगे और तेल को चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म हुआ है या नहीं।
थोड़ा सा हम तेल को और गरम कर लेते हैं। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम कोट किए हुए बड़े को इसमें डालेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरह से तेल हम डालेंगे पोटैटो वड़ा के ऊपर, और जो साइड्स पे ये फ्राई हो रहे हैं इनको हम हटा देंगे। जो हमने पहले डाला था उसको हम फ्लिप कर देंगे। तो वड़ास हमारे तकरीबन बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बेसन की कोटिंग हुई है। तो अब इन्हें मैं तेल से निकालती हूँ। थोड़ी देर हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल इसमें से निकल जाए, और इसी में ही पड़ा रहने देंगे। बाकी के वड़ास को हम फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये सारे वड़े तैयार हो चुके हैं। अब हमारे पास ये बेसन बच गया है, तो इसको हम यहाँ डाल लेते हैं, इसकी हम बूंदी बना लेते हैं। इस झारे में हम इसको भी निकाल देते हैं, बाकी का बेसन भी हम इसमें डाल लेंगे। तो ये जो आपको हमने थीकी वाली मिर्च दिखाई थी ना, अब हम इसको फ्राई करेंगे इसी ऑयल में। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि ऑयल हमारा काफी गर्म है। मिर्च हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको भी अब हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे तमाम वड़ास बनके तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि 5 मीडियम साइज आलू से इतने सारे वड़े बन गए हैं। तो अब हम इनको सर्व करते हैं। वड़ास को हमने सर्व कर दिया, अब इसको हम ग्रीन चिली के साथ सर्व करेंगे। और ये जो हमने फ्राई किए थे, जो बेसन बच गया था, ये भी हम इसके साथ यहाँ पे रख देंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत क्रिस्पी है ये। तो यहाँ पे हमने एक मसाला तैयार किया है जिसमें चाट मसाला है, जीरा पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है। ये भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे। चाहें तो थोड़ा सा काला नमक भी शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो अपनी मनपसंद चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक वड़ा को हम आपके सामने अभी तोड़ के भी दिखा देते हैं। तो वड़ा को अब हम आपके सामने तोड़ते हैं। आप देख सकते हैं कितना ये टेम्प्टिंग है। स्पाइसेस भी आप देख सकते हैं, हरे धनिए को हम देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की बटाटा वड़ा की ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी ऐसे ही वड़ास बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम।